तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सब्जी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से भिंडी की सब्जी बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। सारे पुराने तरीके भिंडी बनाने के भूल जाएंगे हमेशा के लिए। इतनी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होती है। इस तरह से सब्जी अगर आप खा लेंगे एक बार तो चिकन मटन या पनीर खाना भी भूल जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भिंडी बनाने के लिए भिंडी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये 250 ग्राम भिंडी है, बहुत ही अच्छा शेप है ये, आप अपने मन मुताबिक कट कर सकते हो। और एक मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने दो अंडे लिए हैं और साथ ही लाल मिर्ची लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आप हरी सब्जी बना रहे हो कोई भी तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल करें। तो चलिए, यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेती हूँ। तो तेल जैसे ही गरम हो जाए, यहाँ पे हमें साबुत लाल मिर्ची ऐड करनी है। बहुत सारे लोग इसकी डंठल हटा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आप चाहो तो हटा सकते हो। और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता अच्छे से तड़क जाए और लाल मिर्ची भी थोड़ा सी भून जाए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, कड़ी पत्ता तो ज़रूर ऐड करें। और इस तरह से अगर आप तड़का लगाएंगे, इसमें आप चाहो तो हींग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हींग का टेस्ट हमारे घर में पसंद नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मिर्चे थे, लाल मिर्चे, वो ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ताज़ा है, इसमें तीखापन पूरी उसी मिर्ची की तरह है जो हरी मिर्ची होती है। तो देखिए, इसको भी मिक्स करना है और साथ ही हमें प्याज भी इसमें डाल देना है ताकि सारे मसाले जो है वो मिक्स हो जाए आपस में। तो इसको हल्का से हमें भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि हमें इसमें भिंडी भी ऐड करनी है। भिंडी के साथ ही हमें प्याज को पकाना है। तो इसको थोड़ा से मिक्स कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करना है। तो अब मैं इसमें भिंडी भी ऐड कर लूँगी ताकि जो हमने भिंडी को रखा हुआ है वो भी इसके साथ अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए, मैंने भिंडी को ऐड कर लिया है और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए ऐड करेंगे ताकि भिंडी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए, इसी साथ प्याज भी गल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और नमक को ऐड करेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीका है ये बनाने का और टेस्ट इतना बेहतर है ना कि आप कुछ भी छोड़ दोगे खाना, इसी को हमेशा खाना पसंद करोगे। इतनी बेहतरीन सब्जी बनकर तैयार होती है। तो मेरी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जी है दोस्तों, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करो, आप लोग की भी फेवरेट हो जाएगी। तो इसमें देखिए, मैं नमक भी ऐड कर लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। अब इसको मैं नमक को मिक्स करके इसको ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। हो सके तो बीच में एक बार चला लीजिए, मैं भी चला लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सी मुझे ऐड करना है रेड चिली पाउडर। आप अपने तीखा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ में हमें ऐड करना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की मात्रा अदर मसालों से थोड़ा सी ज़्यादा होगी दोस्तों। तो इसमें आप हम चाट मसाला ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देगा इस भिंडी में, एकदम जान डाल देगा चाट मसाला। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे, पक जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए, मिक्स हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ मिनट के लिए इसको पका ली थी। ये देखिए, भिंडी हमारी बिल्कुल भी रेडी हो गई है। 5 मिनट के लिए इसको मैंने और पका लिया है ढक के मीडियम फ्लेम पर। तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, कितनी सिंपल और आसान तरीका है, आप लोग ने देखा, मैं आपको बताई हूँ कितनी लजीज सब्जी लग रही है। अब इसमें हमें ऐड करना है अंडा। उससे पहले हमें क्या करना है, ये हरी मिर्ची, जो मिर्ची हमने ऐड की है लाल मिर्च, इसको हटा देना है। ये बच्चे हरी मिर्च या हरी सब्जी इसीलिए नहीं खाते क्योंकि मिर्ची उनके मुंह में डायरेक्टली आ जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी कि आप हरी सब्जी में लाल मिर्चों का ही इस्तेमाल किए। ये टिप्स कैसी लगी है आपको, कमेंट्स ज़रूर करके बताइए। अब मैं इसमें अंडा ऐड करूंगी।
बहुत ही अच्छा लगता है अंडे से, इसमें जान आ जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अंडा भी भून जाएगा और हमारी भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और नमक वगैरह तो हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो बिना अंडे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अंडा तो ज़रूर डाल के बनाइए एक बार। आपको इसका टेस्ट स्वाद ऐसा लगेगा कि आप सारे तरीके भूल जाओगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारी भिंडी का, तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म सर्व करते हैं। रोटी, चपाती, नान, जिसे चाहे इंजॉय कर सकते हो। पूरा परिवार एक साथ बैठ के सब्जी इंजॉय करे आराम से। और आई होप कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है और मैं आपके लिए कौन सी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई, कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो ज़रूर बताओ। मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।